अजमेर नगर निगम ने नए आदेश जारी करते हुए जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 25 गुना राशि बढ़ाई है। नगर निगम की ओर से पहले 10 रुपए जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दिए जाते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 250 रुपए करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विरोध नगर निगम के पार्षदों के साथ ही आम जनता ने शुरू कर दिया है। पार्षदों का कहना है कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र आम जनता की जरूरत है, ऐसे में सभी गरीब और अमीर लोग ये बनवाते हैं, लेकिन एक साथ इतनी राशि बढ़ाने पर आम जनता पर बोझ बढ़ेगा, ऐसे में इस आदेश को वापस लेना चाहिए। इसे लेकर नगर निगम के पार्षदों ने नगर निगम प्रशासन और महापौर से इस मामले में उचित निर्णय लेकर समाधान की मांग की है। पार्षदों का कहना है कि ये दोनों दस्तावेज स्थानीय पार्षद को लाने होते हैं और वो जनता की भलाई के लिए काम करते हैं। अब अगर 250 रुपए इसके लिए लिए जाते हैं तो फिर जनता उन्हें परेशान करेगी। जिस प्रकार से आज सुबह ये ज्ञात हुआ है कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने पर 250 रुपये का शुल्क वसूला जा रहा है नगर निगम के अंदर, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। अमूमन क्या होता है कि जो भी वार्ड पार्षद होता है, वार्ड पार्षद अपने वार्ड के अंदर जन्म हो या मृत्यु हो, वो खुद अपने लेवल पे आकर के यहाँ फॉर्म भरता है, अपने लेवल पे सर्टिफिकेट बनवा करके और जनता तक पहुँचाता है। ये पैसा पार्षद अपनी जेब से देता है ज़्यादातर, लेकिन यह पैसा हुआ जो 10 रुपये का शुल्क था वो सीधे बढ़ा के 250 रुपये जो कर दिया गया, वो हमारे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ना कोई पहले की सूचना दी गई है कि ये शुल्क ऐसा बढ़ाए गए या इतना बढ़ाएंगे, कोई अमाउंट का पता नहीं। सीधे आज पहली रसीद जब जमा करवाने गए तो सीधे 10 रुपए के 250 रुपए, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और इस बारे में हम अपने कमिश्नर साहब और मेयर मैडम दोनों की नॉलेज में डालते हुए आगे की कार्रवाई करेंगे। पहले उनसे दरख्वास्त करेंगे कि इसको वापस 10 रुपए करा जाए, जो आम जन के लिए, जो गरीब आदमी के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि इससे कोई किसी को फ़ायदा हो रहा हो, किसी को पैसे की कमाई हो रही हो, ये सिर्फ एक सेवा का शुल्क है जो 10 रुपये काफ़ी है। यही हम कमिश्नर साहब और महापौर महोदय से हम आज रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको दोबारा 10 रुपये करा जाए। नितिन जैन, मनोनीत पार्षद, अजमेर।